हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल टीटी प्लेइंग 11 में। आज मैं बात करने वाला हूँ लॉर्ड जायंट्स व एसएसजी लैंडर्स केबीओ लीग के बेसबॉल मैच के बारे में, जहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको अपनी टीम के लिए किस प्लेयर को पिक करना है, किस प्लेयर को ड्रॉप करना है। हम बात करेंगे डीटी यानी कि ड्रीम टीम के बारे में, और जो फाइनल टीम होगी वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। आइए हमारे टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। तो दोस्तों, ये आपका अपना टेलीग्राम ग्रुप होने वाला है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हमारी एक तरफा क्लीन स्वीप चल रही है, और दोस्तों विकास नाम के बंदे ने यानी कि मेरे सब्सक्राइबर ने तो ये एक मिनी ग्रैंडली लगाई और अच्छा खासा पैसा विन भी किया। एक रैंक आई उनकी और 52 स्पॉट में यानी कि मिनी ग्रैंडली को उन्होंने विन कर लिया और काफ़ी अच्छा खासा और मोटा पैसा इन्होंने कमा लिया। तो दोस्तों बात है, आपको भी कमाना है तो टेलीग्राम पर आ जाइए, यहाँ पर मैं आपको काफ़ी अच्छे टीम्स प्लस दोस्तों काफ़ी अच्छी खासी क्लीन स्वीप देता रहता हूँ। और आपको दोस्तों यहाँ पर विजन 11 का लिंक मिल जाएगा, विजन 11 को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर काफ़ी कम कंपटीशन है और दोस्तों एक तरफा विन हम कर जाते हैं, और मैं भी विजन 11 पर ही प्ले करता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि इस टीम ने कितने मैच खेले हैं, कितने मैच हारे हैं। तो सबसे मैं करूँ SSL यानी कि SSG लैंडर्स के बारे में। तो दोस्तों इन्होंने अभी तक 108 यानी कि 108 मैच प्ले किए, जहाँ पर 54 में विन और 54 में लॉस का सामना किया है। तो पता चल रहा है कि काफ़ी अच्छी खासी टीम है। मैं वही बात करूँ लॉर्ड जायंट यानी कि LOG के बारे में। तो LOG ने अभी तक 111 मैच प्ले किए, जहाँ पर 52 में विन और 59 में लॉस का सामना किया है। तो पता चल रहा है कि ये थोड़ी डाउन टाउन टीम है। तब बात की जाए कि इस मैच में जो कॉम्बिनेशन है वो क्या बनाकर चले। तो दोस्तों इस मैच में सबसे बेस्ट आपके लिए 4 और 5 का कॉम्बिनेशन हो सकता है, बाकी आप 5 और 4 का भी ट्राई कर सकते हैं, और हो सके तो आप 3 और 6 का भी ट्राई करके चल सकते हैं। बाकी इस मैच आपको 6 और 3 का कॉम्बिनेशन ट्राई नहीं करना है। तो दोस्तों मैं आपको देखिए कितना बड़ा ऑफर दिया, मुझे केवल 25 मेरे 12 रुपये में एंट्री मिल रही है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ, मैं ड्रीम 11 पर बिल्कुल भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इतना ज़्यादा कंपटीशन है, एंट्री फीस इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर बंदा लूट जाता है। और ड्रीम 11 पता नहीं दोस्तों कई बार तो पैसे काट लेता है, मुझे नहीं पता क्यों काट लेता है। एक बार मेरे अकाउंट में 9,000 रुपये थे और मैंने चेक किया तो मेरे अकाउंट में 7,500 रुपये थे, 1,500 रुपये मुझे नहीं पता कहाँ पर चले गए, और मैं उनको कुछ मेल भी टाइप भी नहीं कर पाया। मेल तो मैंने की लेकिन कुछ उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया और मेरे 1,500 रुपये डूब गए। उसके बाद दोस्तों मैंने खेलना छोड़ दिया था, और विजन 11 आते ही मैंने विजन 11 पर प्ले करना स्टार्ट कर दिया है। और विजन 11 को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों ड्रीम टीम बना चुका हूं, जो इसी आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं। तब तक दोस्तों मेरी मेहनत के लिए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करें, और फाइनल टीम के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि दोस्तों आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे काफी मोटिवेशन मिलता है, और उसी से मोटिवेट होकर मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो और अच्छी अच्छी टीम देता हूं टेलीग्राम पर। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, तो मैं इसको ओपन करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने कौन सी फील्डर, कौन सी इनफील्डर, कौन से पिचर, कौन से कैचर, इन सभी के बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूं। तो वीडियो आपको एंड तक वॉच कर लेनी है, जो इस वीडियो को एंड तक वॉच करेगा उसको इस मैच के बारे में काफी अच्छी खासी नॉलेज आ जाएगी। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करें जुनू के बारे में। तो जुनू आपके लिए काफ़ी अच्छे खासे चॉइस है दोस्तों, पिछले काफ़ी मैचों से काफ़ी अच्छे खासे परफॉर्मेंस में हैं, और ऐसे परफॉर्मेंस को देखते हुए आप इन्हें अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं। बाकी दोस्तों फाइनल टीम आपको स्टैट के आधार पर मिलेगी इस वीडियो के बाद। इस वीडियो के बाद तो दोस्तों आज रात का सारा टाइम है, मैं इस वीडियो को काफ़ी जल्दी बना रहा हूँ, तो इस वीडियो कल मैं दोस्तों स्टैट निकालूंगा, एनालिसिस करूंगा, फिर से स्टैट निकाल कर आपको टीम दूंगा। और दोस्तों टीम में काफ़ी मेहनत लगती है, उस मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता ही है। सिंसू के बारे में बात करूँ तो सिंसू दोस्तों काफ़ी अच्छा खासा प्लेयर है, पिछले 2 मैच उनका जो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा खासा है, और नेक्स्ट मैच इतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस रहता है तो आपको इनको अपनी टीम में बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करना है। जी हूँ दोस्तों, मैंने अपनी टीम के लिए ड्रॉप कर दिया है। भाई जो फाइनल टीम होगी मैं चाहूँगा कि इनको अपनी टीम में रखूँ, क्योंकि कल के मैच में मैंने थोड़े बहुत स्टैट निकाले थे दोस्तों इस मैच के, जहाँ पर मुझे लगता है कि सिंह कल के मैच जनकि हूँ कल के मैच में हिट हो सकते हैं। बाकी दोस्तों मैं टीम निकाल दूंगा। शॉप के बारे में तो शॉप का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा खासा है, उससे पिछले मैचों में इनका जो परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छा खासा है पिछले कुछ मैचों से, शन होप शॉप का। तो शन शॉप को आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों बात करूँ नेक्स्ट प्लेयर, मैंने जोनू को ट्राई किया है। मैं जोनू को ट्राई नहीं करना चाहता था, इससे बड़ी चॉइस मेरे पास है, लेकिन ड्यू टू क्रेडिट इशू इस वजह से बहुत ज़्यादा क्रेडिट इशू है। और मैं आपको बता चुका हूँ जो केबीओ के मैचेस होते हैं वहाँ पर आपको काफ़ी कम पैसा इन्वेस्ट करना है, काफ़ी कम पैसा इन्वेस्ट करना दोस्तों, काफ़ी कम, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों इतना बसड़ मची हुई है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। इनफील्डर सेक्शन के बारे में तो चिंग होंग के बारे में, तो चिंग होंग का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा खासा, और कल के मैच में भी ये बंदा हिट रहेगा तो बिना किसी टेंशन के अपनी ग्रैंड लीग प्लस स्मॉल लीग की दोनों टीमें आप इनको ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों बात करूँ नेक्स्ट प्लेयर मकाडो के बारे में, तो मकाडो का परफॉर्मेंस पिछले मैच में काफ़ी अच्छा खासा था, और मेजोरिटी लेवल काफ़ी कम था, और मैंने इनके स्टैट चेक किए थे और मुझे लग नहीं था कि अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों इन्होंने जो इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा खासा गया, और ऐसे परफॉर्मेंस का मकाडो को ट्राई कर सकते हैं। बाकी दोस्तों मैं इनको अपनी टीम में जरूर रखूँगा, क्योंकि इनका जो मेजोरिटी लेवल मुझे लगता है कल के मैच में कम हो सकता है। दोस्तों बात करूँ नेक्स्ट प्लेयर
हान के बारे में। तो हान के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो इनका परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा खासा है, और मेजोरिटी लेवल के मैच में इनका काफ़ी कम होने वाला है, क्योंकि जो आपका अपोनेंट होगा या तो वो दोस्तों मेजोरिटी लेवल के ऊपर प्लेयर उठाएगा या फिर दोस्तों इन पॉइंटों के आधार पर प्लेयर उठाएगा, क्योंकि जो बेसबॉल ग्लव्स है वो किसी के पास भी नहीं है। दुनिया दोस्तों क्रिकेट के पीछे लगी हुई है। जी हुन का परफॉर्मेंस इतना अच्छा खासा नहीं है दोस्तों, लेकिन दोस्तों आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन और भी है, आपको चेक करता हूँ दोस्तों मैं याद नहीं कौन सा बंदा प्ले कर रहा था, दोस्तों उनका परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा खासा नहीं है। बाकी टीम तो आपको देने ही वाला जोंग योल दोस्तों कैसर के बारे में बात करूं तो इनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा खासा, अगर कल का मैच प्ले करते तो अपनी ग्रैंड लीग की एक टीम में इनको वॉच करने ट्राई कर सकते हैं, टीम का प्रयोग करें जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि मैंने उस टीम में चार आउटफील्डर, तीन फील्डर, एक और एक पिचर कैचर को ट्राई किया है। तो कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस के बारे में बात करूं तो दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस मुझे अड़ी अलग लग रही है। मैंने ची हुन को दोस्तों कैप्टन ट्राई किया और मैकार्डो को अपनी टीम में वाइस कैप्टन ट्राई किया। मैकार्डो दोस्तों मैं वाइस कैप्टन जरूर ट्राई करूंगा क्योंकि मैं जोटेल इनकी तरफ काफी कम हो सकता है, और ची ग्योंग को दोस्तों अपनी टीम में कैप्टन ट्राई कर रहा हूं। बाकी दोस्तों स्टैट के ऊपर होता स्टैंडिंग करूँ एनालिसिस करूँ फिर से स्टैंडिंग करूँगा फाइनल टीम का टेलीग्राम पर ऐप ट्रेनिंग ज्वाइन कर लेना। तब तो दोस्तों मेरी मेहनत के लिए आप सभी को पता है काफ़ी मेहनत लगी वीडियो बनाने के लिए, तो मेहनत के लिए एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो फाइनल टीम होगी उसको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।